हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय शाक्य है और मैं लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो का फाउंडर हूं। हमारे इस एक्टिंग स्टूडियो में स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है ये हम सिखाते हैं। एक्टिंग एक कला है, एक आर्ट है। ये आर्ट सभी के पास नहीं होता और कई बार जिनके पास ये कला होती है वो इसे पहचान ही नहीं पाते। आपको आपके अंदर की एक्टिंग की कला को बाहर निकालने के लिए और आपको एक बेहतरीन कलाकार बनाने के लिए हम इस स्टूडियो में काम करते हैं। दोस्तों, विनय शाक्याज लेट्स एट एक्टर स्टूडियो इस YouTube चैनल द्वारा हम आप सभी को एक्टिंग जैसी कला के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जहां आपको मुंबई में यहां आकर एक्टिंग कोर्स करने का मन करेगा। आपके अंदर छुपा हुआ कलाकार इसके ज़रिए बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम फिल्मों और एक्टिंग का इतिहास जानेंगे। तैयार हो आप? आप जानते हैं पिछले 125 वर्षों का फिल्मों का इतिहास है। 1895 में विश्व की पहली फिल्म अराइवल ऑफ अ ट्रेन बनी और उसके देखते देखते सिनेमा ने अब तक कितना सफ़र तय किया है ये आप भी नहीं जानते। इस सफ़र को देखकर दुनिया चकित होती है। कितना भी समेटने और लिखने की कोशिश करो लेकिन बहुत कुछ छूटने का एहसास होता है। खैर, विश्व सिनेमा और भारतीय सिनेमा के इतिहास का ये ओवरव्यू आपको फिल्मी दुनिया के 125 वर्षों का सफ़र ज़रूर करवा सकता है। कई देशों, कई शहरों और कई भाषाओं में चल रही इस दुनिया में लोगों को रोज़गार देने की बहुत अधिक संभावना है। केवल इसके दरवाजे पर कुछ कौशलों के साथ दस्तक देने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को यह चमकती दुनिया अपने हाथों में उठाकर चमकता सितारा बना सकती है। मेहनत, लगन, परिश्रम, कुशलता, इन सब के बलबूते पर आप इस दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। सिनेमाई जगत से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बलशाली बन जाती है। बहुत अधिक संभावनाएं और रोजगार निर्मित का क्षेत्र होने के कारण इसे इंडस्ट्री भी कहा जाता है। 1895 में दुनिया की सबसे पहली फिल्म द अराइवल ऑफ अ ट्रेन प्रदर्शित हुई। किसी भी डायलॉग के बिना बनी ये पहली फिल्म लोगों के लिए काफ़ी रोमांचक साबित हुई। इस फिल्म के प्रदर्शन के समय जो भी लोग इसे देखने आए वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस फिल्म के रिलीज से पहले इसकी खबरें फ्रांस के हर एक शहर में फैल रही थी। जब जब ये फिल्म लोग देखने आए तो फिल्म में आते हुए ट्रेन को देखकर कुछ लोग डरकर भागने लगे, क्योंकि इससे पहले लोगों ने चलचित्र या वीडियो देखा ही नहीं था। ये दुनिया की पहली म्यूट फिल्म थी, इसलिए ये दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का विषय बन गई। इसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। फिल्मों में नए नए तंत्र आने लगे और सिनेमा में कई बदलाव भी होने लगे। भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली लंबी फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1913 में प्रदर्शित हुई। मूक फिल्म होने के बावजूद इसे व्यावसायिक सफलता भी मिली। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसे 1914 में लंदन में प्रदर्शित किया गया। उसके बाद भारत में सबसे पहली आवाज़ वाली फिल्म थी आलम आरा। लोगों को वो बहुत पसंद आई। अगर हम एक्टिंग के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि पहले ज्ञात अभिनेता को प्राचीन ग्रीक लोगों में थीसिस ऑफ इकारिया कहा जाता था। अभिनय यानी एक्टिंग मूल ग्रंथ नाट्यशास्त्र माना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि। भारतीय लोग इस इतिहास को जानते हैं। यूनान में देवताओं की पूजा के साथ जो नृत्य प्रारंभ हुआ वही वहाँ का अभिनय कला का प्रथम रूप था, जिसमें नृत्य के द्वारा कथा के भाव की अभिव्यक्ति की जाती थी। इटली वासियों में एक्टिंग करना सबको पसंद है। नाटक लिखे जाने से बहुत पहले ही वहाँ साधारण प्रवृत्ति रही है कि किसी ग्रुप को जहाँ कोई विषय दिया गया कि झट से उसका अभिनय प्रस्तुत कर देता था। यूरोप में अभिनय कला को सबसे अधिक महत्व दिया शेक्सपियर ने। उन्होंने स्वयं मानव स्वभाव के सभी चरित्रों का चित्रण किया है। उन्होंने हेमलेट के डायलॉग्स में श्रेष्ठ अभिनय के मूल तत्वों का समावेश करते हुए बताया कि अभिनय में वाणी और शरीर, इन दोनों अंगों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करना चाहिए, अतिरंजित रूप से नहीं। आज एक्टिंग बहुत प्रगत हो रही है। एक्टिंग के अलग अलग रंग आज देखने को मिलते हैं। इस तरह अभिनय कौशल दिन ब दिन बदलते जा रहा है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बदलाव आ रहा है, आप तो जानते ही हैं। यही बदलता हुआ अभिनय और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी आपको विनय शाक्याज लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो में सिखाई जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। साथ ही हमारे विनय शाक्याज लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जल्दी हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है जिसके ज़रिए घर बैठे आप एक्टिंग सीख सकते हो और अपने आप को बेहतर एक्टर बना सकते हो। थैंक यू सो मच।